अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से हमें मिल रही है। हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो गया है। अब तक 8 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। एमपी का पहला स्थान होगा हमीदिया। ऑर्गन ट्रायल भी शुरू होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा लिया। हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू होगा। ऑर्गन ट्रायल भी शुरू होगा। अब तक 8 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू होना है। एमपी का पहला स्थान हमीदिया होगा। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जायजा भी लिया। ऑर्गन ट्रायल भी अब हमीदिया में शुरू होगा। हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो गया है और इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। अब तक 8 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू होगा। अब अभी तक 8 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, एक अच्छी खबर है राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए भी। हम कह सकते हैं की आज हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो काम हो रहा है उसका पूरा उनके द्वारा जायजा लिया गया। मध्य प्रदेश में कहे तो हमीदिया में अब तक 8 लोग किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मध्य प्रदेश का हमीदिया ऐसा पहला अस्पताल होगा जहां किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही ऑर्गन जो डोनेशन होता है, ऑर्गन जो ट्रायल होता है, उसका काम भी शुरू होगा। तो बेहद अच्छी खबर है, बेहद सार्थक पहल है, क्योंकि लगातार सरकारों के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, की लोग ऑर्गन डोनेशन के की जो प्रक्रिया होती है उसको समझा, ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में लोग आ गया। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डेड बॉडीज के बाद भी देहदान भी किया जाता है, कुछ लोग ऑर्गन को डोनेट भी करते हैं। तो इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लंबे समय से सरकार की द्वारा कोशिश की जा रही थी। तो मध्य प्रदेश में 8 लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया। तो जल्द ही मध्य प्रदेश के जो राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल है वहां पर हम सार्थक किडनी ट्रांसप्लांट होते हुए देखेंगे। जी शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी खबर, अब हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू होगा। 8 लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। एमपी का पहला स्थान है हमीदिया, यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू होगा। ऑर्गन ट्रायल भी जल्द ही शुरू होगा। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के प्रयत्न से अब हम गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू कर पाएंगे और उसकी पूरा तैयारियां हो गई हैं। आज मैंने उसका दौरा किया, यहाँ पर आज डॉक्टर्स को मैं बधाई देने आया था क्योंकि उनकी मेहनत और उनके प्रयास से ही ये संभव हुआ है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम लगातार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं के उन्नयन के लिए, उनके एनहांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमारा अस्पताल सुव्यवस्थित हो और हर मरीज का ठीक इलाज हम कर सकें, यही हमारा प्रयत्न है। और इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट या और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की सुविधाएं इस कैंपस में हो सके, इसकी हमारी मंशा है। किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो एक बड़ी क्रांति आई है उसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान होगा। हमने इंदौर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक बड़ी प्रतिष्ठान की शुरुआत की है।